हार्ट्रे का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत। हार्ट्रे एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं और हार्ट्रे ये कहते हैं कि जो व्यापार चक्र में होता है या जो अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव होता है वह एक मौद्रिक घटना है, जिसको उन्होंने कहा ट्रेड साइकिल इज ए मॉनेटरी फेनोमेनन। मतलब जो अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव होता है वो पूरी तरह से एक मौद्रिक घटना पर आधारित है, पूरी एक तरह से एक मौद्रिक घटना है। अर्थात जो उतार चढ़ाव होता है वो जो अर्थव्यवस्था में जो साख का विस्तार होता है उसी से ही वो समृद्धि की आती है, और अगर साख की कमी होती है तो अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति आती है। तो इसको इन्होंने इस तरह से क्रम में किया है कि अगर अर्थव्यवस्था में साख का विस्तार किया जाता है तो उससे क्या होता है, ब्याज दर में वृद्धि होती है, और ब्याज दर में जब वृद्धि होती है तो व्यापारियों द्वारा अधिक ऋण की मांग की जाती है। ब्याज जब साख का विस्तार करने की सोचता है कोई बैंक तो व्यापारी अधिक ऋण लेना चाहते हैं और उससे ब्याज दर में वृद्धि होती है, और इससे जब व्यापारी ऋण लेते हैं तो उत्पादन ज़्यादा करने की सोचते हैं तो इससे स्टॉक में भी वृद्धि होती है, और स्टॉक में वृद्धि होती है तो ये फिर मांग बढ़ती भी है, और जब मांग बढ़ती है तो इससे उत्पादन एवं आय में वृद्धि होती है, और आय में वृद्धि का मतलब है कि ज़्यादा उत्पादन के लिए रोजगार में वृद्धि करनी पड़ेगी, तो रोजगार में वृद्धि होती है और इस तरह से कीमतों में वृद्धि हो जाती है, और कीमतों में वृद्धि ही आर्थिक समृद्धि है। अर्थात जब बैंकें आशान्वित होती हैं कि अब हमारा पैसा वापस आ सकता है, हमारा ऋण वापस आ सकता है, तो वो साख का विस्तार करने की सोचते हैं, और साख का विस्तार जब करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमी ऋण लेते हैं और ऋण ले करके उत्पादन करना चाहते हैं, और उत्पादन करते हैं तो उससे डिमांड में बढ़ोतरी होती है, और जब डिमांड बढ़ती है तो फिर निश्चित रूप से कीमतों में वृद्धि होगी, और यही जो है व्यापार चक्र कहलाता है। जब कीमतों में वृद्धि होगी तो समृद्धि की स्थिति आएगी, और यही व्यापार चक्र होता है। और इसी के उल्टा भी अगर साख संकुचन होता है तो साख संकुचन होने से जो ब्याज दर है उसमें कमी होगी, और जब ब्याज दर बढ़ेगी इससे व्यापारी जो है ऋण कम लेंगे और उत्पादन कम करेंगे, और उत्पादन कम करेंगे तो मंदी की स्थिति आएगी, और ऐसा ही व्यापार चक्र में उतार चढ़ाव चलता रहता है। और इसको जो दो सिद्धांत ऐसे हैं जिनको मौद्रिक सिद्धांत कहा जाता है, एक हार्ट्रे का है और हेयर का अति विनियोग सिद्धांत है। तो अब हार्ट्रे का हम देख लेते हैं व्यापार चक्र का की आलोचना है। व्यापार चक्र विशुद्ध मौद्रिक विषय नहीं है, ये पूरी तरह से मौद्रिक विषय नहीं है, इसमें और भी तत्वों का समावेश होता है कि अगर व्यक्ति सोचे ना या साहसी जो श्रमिक हैं उनको अगर पैसों की इच्छा ना हो तो ये नहीं कर पाएंगे, तो इस तरह से केवल व्यापार चक्र मौद्रिक विषय नहीं है। बैंक साख व्यापार चक्रों का कारण नहीं बल्कि परिणाम है। जो यहाँ सिद्धांत में कह रहा है कि बैंक साख का विस्तार होता है तो व्यापार चक्र में वृद्धि होती है, व्यापार चक्र समृद्धि की अवस्था में आता है, तो ये कारण नहीं है बल्कि ये तो परिणाम है कि अगर व्यापार चक्र में समृद्धि की स्थिति है तब ब्याज दर बढ़ती है। ये नहीं है कि ब्याज दर के बढ़ने से या साख के विस्तार से व्यापार चक्र आता है। तो और व्यवसायियों में ब्याज दर में परिवर्तन के प्रति सजगता रहती है, अर्थात अगर ब्याज दर में परिवर्तन होता है तो उससे भी उनको फर्क पड़ता है। अगर ब्याज दर बढ़ती है तो कम लोन लेते हैं, ब्याज दर कम होती है तो ज़्यादा लोन लेते हैं, इससे व्यापार चक्र पर प्रभाव पड़ता है। और व्यापारियों के स्वयं की कोष की अवहेलना, इस सिद्धांत में केवल और केवल साख की बात की गई है लेकिन जो व्यापारियों का साख है उसकी कोई बात नहीं की गई है। तो इस तरह से ये तमाम कमियों से परिपूर्ण है, और इसके बाद
हेयक आए, हेयक का अति विनियोग का सिद्धांत आया। हेयक का अति विनियोग का सिद्धांत जो हॉटर की जो हॉटर के सिद्धांत में कमियां थी उसको प्रोफेसर हेयक ने पूरा किया। जहाँ पे हॉटर ये कह रहे थे कि उसमें हॉटर ने ये कहा था कि ये केवल साख के विस्तार पर आधारित है, यानी साख पर से ही संबंधित है पूरी तरह, ब्याज दर से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो वहीं पर हेयक ने एक सिद्धांत दिया जो अति विनियोग का सिद्धांत कहलाता है। इन्होंने इसमें दो ब्याज दरों की बात की, एक तो स्वाभाविक ब्याज दर और दूसरा बाजार ब्याज दर। स्वाभाविक ब्याज दर यानी नेचुरल इंटरेस्ट रेट और दूसरा इन्होंने बात किया बाजार ब्याज दर। तो स्वाभाविक ब्याज दर वो दर है जहां पर जो अर्थव्यवस्था में जो ऋण कोषों की मांग है और पूर्ति है जहां पे दोनों बराबर होती हैं उसको इन्होंने स्वाभाविक ब्याज की दर कहा। और बाजार ब्याज दर को हमने कहा कि जब जिस रेट पर या जिस दर पर ऋण कोषों की मांग की जाती है, लेन देन होता है, वो जो है बाजार ब्याज दर है। यानी स्वाभाविक ब्याज दर तो वो है जहाँ पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती है कोषों की, ऋण योग्य कोषों की, और ऋण योग्य कोषों पर लेन देन जिस दर पे होता है वो बाजार दर होता है। तो अगर स्वाभाविक ब्याज दर के बराबर ब्याज दर बाजार ब्याज दर है तब तो अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति होगी, लेकिन अगर बाजार दर ज़्यादा है स्वाभाविक ब्याज दर से तो फिर अर्थव्यवस्था में जो वृद्धि तेजी की स्थिति होगी, बूम की स्थिति होगी। यानी कि जब ब्याज की दर बाजार की दर ज़्यादा है ब्याज दर से, इसका मतलब है कि उस समय अर्थव्यवस्था में पूंजी की अधिक मांग हो रही है, और अधिक मांग हो रही है तो इसका मतलब उत्पादन अधिक हो रहा है, उत्पादन अधिक हो रहा है तो डिमांड अधिक हो रही है, तो और सब कुछ अधिक होने पर फिर तेजी होगी यानी महंगाई ज़्यादा होगी तो समृद्धि की स्थिति आएगी। और अगर ब्याज की दर स्वाभाविक ब्याज की दर से कम है तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में ऋण योग्य कोषों की डिमांड कम हो रही है, और ऋण योग्य कोषों की डिमांड कम हो रही है यानी प्रोडक्शन कम हो रहा है, प्रोडक्शन कम होगा तो डिमांड कम होगी, वस्तुओं की डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी तो मंदी की स्थिति होगी। तो इस तरह से हेयक के अति विनियोग के अनुसार जब पूंजी की डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो अधिक विनियोग किया जाता है और अधिक विनियोग से समृद्धि की स्थिति आती है, और अगर उसी को कम कर दिया जाता है तो वो स्थिति मंदी की स्थिति आ जाती है। इस तरह से हेयक के अनुसार अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव होता रहता है। और अब हेयक का जो सिद्धांत है उसमें भी तमाम कमियां हैं। पहली बात तो ये जो ये सिद्धांत कह रहा है ये सीधे सी बात है कि यह परिणाम नहीं, ये कारण नहीं है बल्कि परिणाम है। जैसा कि हमने हॉटर के सिद्धांत में देखा था कि अगर वृद्धि होगी तो फिर ज़्यादा मांग होती है, और जब अगर उत्पादन अधिक करना होता है तब पूंजी की डिमांड ज़्यादा होती है, अधिक उत्पादन कम होता है तो पूंजी की डिमांड कम होती है। और ब्याज की दरें का भी ऐसा ही है कि जब डिमांड ज़्यादा होगी तब ब्याज दर बढ़ती है, डिमांड कम होगी तो ब्याज दर कम बढ़ती है। तो ये तमाम कमियाँ थी। उसके बाद प्रोफेसर केन्स का एक सिद्धांत आया। प्रोफेसर केन्स ने कोई ऐसा सिद्धांत नहीं दिया था जो व्यापार चक्र से संबंधित हो, लेकिन उनके जो सिद्धांत दिया गया है रोजगार का सिद्धांत, उससे ये निकल करके आया है कि अगर इस तरह का हो तो वो व्यापार चक्र में लागू होता है। प्रोफेसर केन्स ने कहा कि जो जब हम कोई उद्योग लगाते हैं या जब निवेश करते हैं तो निवेश दो बातों पर डिपेंड करता है,
एक तो प्रतिस्थापन लागत पे और दूसरा पूंजी की उत्पादन क्षमता पे। प्रतिस्थापन लागत पर और पूंजी की प्रतिस्थापन पूंजी की उत्पादन क्षमता, उत्पादन क्षमता जिसको हम एमईसी कहते हैं, एमईसी इन दो बातों पे लागू होता है। अगर उत्पादन की क्षमता अधिक है, अगर हम ये जानते हैं कि जो हम निवेश कर रहे हैं उससे उत्पादन का उत्पादन अधिक होगा तो हम निवेश ज्यादा करते हैं, इसका व्यापार। तो अगर एमईसी ज्यादा है यानी उससे जो हमें हम ये आशा करते हैं कि जो हम निवेश करेंगे उससे उत्पादन हमें ज्यादा मिलेगा तब हम निवेश ज्यादा करते हैं, और जब हमें ये लगता है कि उससे जो मिलने वाला उत्पादन है वो कम मिलेगा तो हम एमसी यानी हम कम निवेश करते हैं। तो जब हम निवेश ज़्यादा करते हैं हमें ये आशा होती है ज़्यादा उत्पादन करने की, तो इससे क्या होता है, इससे एक तरफ हम निवेश करते हैं और दूसरी तरफ उत्पादन में वृद्धि होती है, और उत्पादन में जब वृद्धि होती है तो डिमांड में वृद्धि होती है, और डिमांड में वृद्धि होती है तो तेजी की स्थिति आती है। तेजी की स्थिति यानी समृद्धि की स्थिति आती है, तब व्यापार चक्र हमारा समृद्धि की स्थिति में होता है। और इसके विपरीत अगर हमें ये लगे कि एमईसी कम है यानी जो हम निवेश करेंगे उससे जो उत्पादन होने वाला उत्पादन है वो कम होगा, तब हम कम निवेश करते हैं और फिर डिमांड भी कम हो जाती है, तब मंदी की स्थिति आ जाती है, और इस तरह से व्यापार चक्र चलता रहता है। तो ये यहाँ पे हमने देखा, एक तो ऑट्रे और हेयक का जो मौद्रिक सिद्धांत था, और एक कीन्स का व्यापार चक्र। वास्तव में कीन्स ने कोई व्यापार चक्र का स्पेशल सिद्धांत नहीं दिया था, लेकिन इसको जो है अर्थशास्त्रियों ने ये जो आय और रोजगार का सिद्धांत था उससे इसको निकाल कर बनाया है।